एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों की जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है, हमारी इंडिजिनियस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सर्वाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है, इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है।